नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको स्नोफॉल का व्यू दिखाऊंगा। इस समय दिन के 11 बजे हैं। पूरी रात स्नोफॉल हुई और इस समय भी स्नोफॉल हो रही है, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूं। ये मेरा पैसेज है घर से बाहर जाने का। अब देखिए, पैसेज पे जब मैं पैर रखता हूं इसमें, तो पैर इस स्नो के अंदर जा रहा है, तो चलने में भी दिक्कत आ रही। मैं स्नो के अंदर से गुज़र रहा हूँ, स्नो के बीच में पैर रखा हुआ, पैर रखता हूँ तो 3 इंच पैर नीचे चला जाता। तो ये देखिए कार मेरी, इसमें कार में क्या पोजीशन है, पूरा हर जगह जहाँ देखोगे वाइट हुआ हुआ है, गाड़ियाँ और ये सड़क रोड देखिए। वो सामने देखिए एक आदमी अपने घर का जो पैसेज है, जहाँ से गाड़ी बाहर निकलेगी, उस पैसेज को साफ कर रहे हैं। यहाँ पे जो पैसेज है अपना गैरेज से गाड़ी सड़क तक जानी, वो पैसेज हर एक को अपना अपना क्लियर करना पड़ता है। और पैसेज रोड से पहले एक पैदल चलने का रास्ता है, वो भी घर का जो मालिक है उसको क्लियर करना पड़ता है। और जो रोड है वो सरकार की तरफ से बहुत जल्दी जल्दी क्लियर हो जाती है। अभी थोड़ी देर में गाड़ियां आएंगी और रोड भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको व्यू दिखाता हूं कि इस समय देखने में बाहर कैसा लग रहा है। स्नोफॉल हो रही है, शायद थानू बर्फ़ पैंती गिरती भी दिख रही होगी। इस वेले काफ़ी तेज़ बर्फ़ गिर रही है, तो आई एम ट्राइंग टू शो कि पूरी स्नोफॉल का व्यू आप देख पाएँ। स्नोफॉल हो रही है, दिख रही मेरे कैमरे उत्ते भी बर्फ़ गिर रही है इस वेले। स्नोफॉल कंटिन्यूस पूरी रात हुई, 11 बजे दिन दे इस वेले -2 डिग्री टेम्परेचर है और फील्स लाइक -8। ऐसा लगता कि इन्नी ठंड है -8। देखो दरख्तों उत्ते भी बर्फ़ जम गई, हर पासे बर्फ़ ही बर्फ़, कारां कवर हो गई हैं। जदों किसी ने जाना होएगा तो कार पहले अपनी साफ करनी पड़ेगी, बर्फ़ हटानी पड़ेगी, फिर कार का रास्ता जो सड़क तक जाता वो साफ करना पड़ेगा, और फिर जदों तक सड़क भी उदों तक क्लियर हो जाएगी तो सड़क पे चल सकेंगे लोग। देखो बर्फ़ कितनी पड़ी हुई, हर जगह पे बर्फ़ बर्फ ही बर्फ। इन्नी ज़्यादा बर्फ़ है कि तुरना मुश्किल होया होया। मैं थोड़ा दिखा दा, वो देखो सड़क पे मेन रोड है जड़ी, वो क्लियर हो गई, वो उत्ते ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा। दरखत भरे हुए, सारा कुछ भरया, सड़क पे ट्रैफिक चल रहा। स्नो का व्यू देखो, बर्फ़ देखो कितने कितने है, दरखत कवर ने सब कुछ कवर है, स्नो ही स्नो, बर्फ़ ही बर्फ़। लोग अपने घरों के रस्ते क्लियर कर रहे हैं अभी, ताजो कार वो चला के बाहर जा सकन। पैरों के निशान तो ही देख सकते हो, जो कोई चलिया तो वो पैरों के निशान देखो। जब बर्फ़ पैंदी है उस वेले ठंड नहीं होंदी ज़्यादा, इस वेले ठंड नहीं है, चाहे फील नहीं हो रही, -8 डिग्री उन्हें इत्थे कहंदे आ भी इस वेले फीलिंग है, पर बर्फ़ पैंदिया उन्नी ठंड नहीं लगती। तो ये व्यू है। एक बारी मैं दोबारा थानू कारां वगैरह दिखाना कि किस तरह बर्फ़ पई हुई है। देखो गैरेज तो मैं इधरों बाहर निकल के आया, पैरों के निशान किस तरह के नज़र आ रहे, पता लग रहा कि कितनी बर्फ़ पई हुई है। मेन रोड का व्यू फिर एक बार दिखाना, ए जो थ नज़र आ रहा, एक महल्ले के एक कोने कोने ते लेटर बॉक्स हुंदा, जिदे विच हर एक घर का एक एक बॉक्स हुंदा, वो अपनी चाबी लिया के इतों डाक कटते हैं। उपर वो होल हुंदा जिदे विचों चिट्ठी पाई जा सकती। इस वेले देखो वह भी पानी नाल भर गया, एक कैनेडा पोस्ट का बॉक्स है,
जिदे विचों आ के दिन विच एक वारी डाक पा जांदे लोग आपो अपना बॉक्स खोल के कट लैंदे जो डाक किसी ने पानी हुंदी ओह इत्थे पा दिंदा। तो ये दोबारा मेन व्यू मेन रोड का व्यू है घरां दा व्यू है। तो देख के अपने आप नूं ही लगता कि बर्फ़ विच एक मज़ा आ रहा। तो मज़ा बर्फ़ विच तुरदिआं मज़ा आ रहा। तो अज इन्ना ही वीडियो, फिर होर दिखावांगा। नैक्सट वीडियो की वेट करो।